नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube ट्यूटोरियल विशाल ज्वेली पे। दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो, जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 1 फराडे इज इक्वल टू, 1 फराडे कितने के बराबर होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1 फराडे कितने के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आपको आंसर लिखना है तो लिख दीजिए 1, उसके बाद डैश देखिए, फिर लिखिए। जैसे इसका आंसर बी है तो आप बी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। तो उसके बाद फटाफट से हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ 96,500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। बोल रहा है कि अगर 96,500 कूलम्ब जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा, अगर उसको हम लोग CuSO4 के घोल से पास करते हैं तो क्या चीज़ निकलेगा। तो ये भी देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 63.5 ग्राम कॉपर निकलेगा जब 96,500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी को CuSO4 के सॉल्यूशन से पास करवाया जाएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि वीडियो हिंदी में नहीं है, PDF हिंदी में मिलेगा या इंग्लिश में, तो मैं आपको बता दूं कि PDF तत्काल तो इंग्लिश में मिल रहा है, लेकिन अगर आपको चाहिए हिंदी में तो आप नीचे कमेंट में हिंदी मीडियम लिख के कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको हिंदी में भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फराडे का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, करंट पास, इलेक्ट्रिक करंट जितना पास किया जाता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपको ये सब नहीं आता है और अगर आपने ये सब अगर नहीं पढ़ा अभी तक, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा होगा, पूरा क्या कहते हैं सिलेबस आपने पढ़ा होगा, तो आपको तो पता होगा कि इसका करंट पास्ड होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको सीधा डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। देखिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2010 में आया हुआ है, 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों का कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार बोर्ड का जो होता है ना, आपको ये होता है कि जो इस बार क्वेश्चन आ रहा है वो अगले साल भी आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा चांस रहता है बिहार बोर्ड में। क्या भाई, किसी भी बोर्ड में ऐसा चांस रहता है, तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन होता है वो हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए फराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजिंग यहाँ पर ऑप्शन डाला हुआ है, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। बहुत बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया इक्विवेलेंट वेट लिखे या फिर इक्विवेलेंट मास। तो इसका सही आंसर होगा इक्विवेलेंट वेट इसका सही आंसर होगा। फराडे का जो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो कहता है कि इक्विवेलेंट वेट से कुछ रिलेशन रखता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल, इस सब में सेकेंडरी सेल कौन है। तो अगर हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे तो सब लगभग सेल ही दिया हुआ है, लैकलेंस सेल दिया हुआ है, फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल, फिर हमारा लीड स्टोरेज बैटरी, और फिर ऑल ऑफ दीज है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि लैकलेंस सेल जो होता है प्राइमरी सेल होता है, तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता है आंसर, बच गया लीड स्टोरेज बैटरी और कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो लीड स्टोरेज बैटरी भी हम लोगों का प्राइमरी सेल होता है, तो हमारा सही आंसर होगा कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल का अगर आपको पता नहीं है कि क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन सेल जो होता है हम लोगों के घर में आप देखे होइएगा, ऐसे जो कुछ ऐसे करके जो बैटरी आता है जिसमें यहाँ पे
दो रहता है, एक रेड वाला रहता है और एक जो प्लस माइनस रहता है उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो अब देखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सेल। इस सब में प्राइमरी सेल कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है लैकलेन सेल, ये जो है हमारा प्राइमरी सेल होता है। फिर जैसा आप मरकरी सेल भी तो प्राइमरी सेल होता है, और ड्राई सेल, ड्राई सेल मतलब जो आपके टॉर्च में जो बैटरी लगता है, सेल लगता है, उसको ड्राई सेल बोला जाता है। तो ये भी होता है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा आपको, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2020 में आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में आते रहता है, हमेशा आते रहता है। सॉरी, फिजिक्स में नहीं आता, केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में आता है। ऑर्गेनिक में भी ये आता है, ऑर्गेनिक में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो आपका सही जवाब होगा F2, जो फ्लोरीन होता है, या फिर ऑप्शन में F भी दिया हो सकता है, तो फ्लोरीन भी होता है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये आप लिख के रख लो, ये इस साल आने वाला है परीक्षा में, आप लिख के रख लो। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्यूज NaCl गिव्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस एट कैथोड। जो फ्यूज NaCl होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद कैथोड पर हम लोगों का क्या देता है? तो इसका तो फिलहाल अभी आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर होगा सोडियम, लेकिन कैसे सोडियम होगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कुछ बच्चों को ये रहता है दिमाग में कि भाई एनोड किस पर होगा, राइट वाले पे या लेफ्ट वाले पे, कैथोड किस पे होगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, निगेटिव चार्ज किस पे आएगा। तो ये मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, और लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक दे दूँगा जिससे आपको पॉजिटिव निगेटिव एनोड कैथोड ये सब में थोड़ा भी मिसकॉन्सेप्शन नहीं रहेगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो कैथोड होता है, कैथोड का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड जो होता है कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे, क्लोरीन पर तो पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता, क्लोरीन पर तो हमेशा निगेटिव चार्ज ही होता है। उसके बाद हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव चार्ज नहीं देता है, पॉजिटिव देता है लेकिन हमेशा नहीं देता है, नॉन अवधि तो हो नहीं सकता है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और एक और जवाब है कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, देखिए NaCl है तो NaCl में हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो लिब्रेट कहाँ से करेगा भाई। अब चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड बाई। ये भी आपका दमदार क्वेश्चन है और हो सके तो इस साल आ सकता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज़ से मेजर किया जाता है? तो अगर आपको आता है जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको देख के आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा। देखिए इसमें पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड जुड़ा हुआ है, इसमें आपको पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल दिया हुआ है। और आप तो जानते हैं पोटेंशियल किस चीज़ से मेजर होता है, पोटेंशियल भैया वोल्ट मीटर से मेजर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पोटेंशियल ही होता है, तो इसका कुछ कंडीशन होता है, तो इसीलिए ये होगा वोल्ट मीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन नो चार्ज इज ड्रोन थ्रू द सेल। जब किसी भी सेल से थोड़ा भी चार्ज ड्रॉ नहीं होता है, किसी भी सेल से थोड़ा भी चार्ज नहीं निकाला जाता है, तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका सही जवाब होगा सेल EMF, सेल EMF। ये जो है आपका फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में भी आ सकता है। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है?
सेल रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस कब होता है? तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। लेकिन देखिए ये जो है ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत वैसे टीचर है जो समझाने का कोशिश भी नहीं करते हैं। इसका आंसर होगा डेल्टा जी नॉट निगेटिव जब होगा तब। ये आप याद करके रख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है कैसे होता है तो आप सिर्फ इसको याद करके रख लीजिए, जब डेल्टा जी नॉट निगेटिव होता है तो कभी भी सेल रिएक्शन क्या कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, जब डेल्टा जी नॉट निगेटिव होता है तब, और जब पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ एन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 5 times देन इट्स कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टेंस इज, बोल रहा है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन को 5 गुना डाइल्यूट कर दिया गया, मतलब उसमें 5 गुना पानी मिला दिया गया, तो उसका कंडक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा आपका इंक्रीज 5 times, उसका जो होगा कंडक्टेंस 5 गुना इंक्रीज कर जाएगा। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पानी रखेंगे कोई भी चीज़ में तो पानी तो कंडक्टर होता है, तो पानी रखेंगे तो बढ़ते जाएगा उसका कंडक्टेंस, तो आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, जो कंडक्टिविटी होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसको अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या फिर कांस्टेंट रहता है, या फिर नॉन ऑफ दीज, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा ना कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए इसका आंसर नॉन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या फिर उतना ही रह जाएगा, तीनों में से कोई तो करना है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग डाइल्यूशन कर दे रहे हैं कंडक्टिविटी, तो डाइल्यूशन करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे मान लीजिए पानी मिला दे रहे हैं, पानी मिलाएंगे तभी तो डाइल्यूशन होगा, तो इसका आंसर होगा इंक्रीज स्लाइटली, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लिख के रख लो, इस साल आ रहा है VVI, आप इसको VVI लिख के रख लो। 1 फराडे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जब पास किया जाता है तो मास कितना डिपॉजिट होता है, तो इसका आंसर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर हम लोग 1 फराडे इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं तो हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा मास डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स इंटर द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज, ये भी हमारा बिहार बोर्ड में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी भी अगर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, अगर इलेक्ट्रोड रखा हुआ है तो वो कहाँ से इंटर करेगा, कैथोड से, एनोड से, या फिर दोनों से? तो इसका आंसर होगा आपका कैथोड। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज में हम लोग किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं? तो इसका आपका आंसर होगा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग कभी भी जब साल्ट ब्रिज बनाते हैं उसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं ताकि वो रिएक्शन ना कर जाए इलेक्ट्रोलाइट से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बोल रहा है कि हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होगा उसमें कैसा रिएक्शन होता है? तो इसमें हम लोगों का आंसर होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस इस कारण से कि अपने आप सेल रिएक्शन होने ना लग जाए, कि हम लोग ऐसा पता चले कि हम लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और पता चले कि सेल का पूरा एनर्जी गायब है। अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो वही हाल होगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा मतलब चार्ज करेंगे तो यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं यूज करेंगे, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज असाइंड द पोटेंशियल ऑफ, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है, इसके आने के कुछ चांस बन रहे हैं, ये आपका आ सकता है। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है उसको कितना पोटेंशियल असाइन किया गया है, उसको कितना पोटेंशियल दिया गया है, तो इसका आपका आंसर होगा 0। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोड उसको हम लोग 0 पोटेंशियल असाइन किए हैं, हम लोग नहीं यार वैज्ञानिक असाइन किए हैं, आप लोग ऐसा मत समझो कि यहाँ साइंटिस्ट लोग असाइन नहीं किए, हम लोग कर दिए, ऐसा कुछ नहीं,
साइंटिस्ट लोग करते हैं असाइन। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में 2020 में आया था, ये है इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज, किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो एनोड रहता है वो क्या रहता है। तो जैसा कि इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनोड कौन, एनोड पॉजिटिव रहता है या फिर निगेटिव रहता है, ये सब मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एनोड जो होगा वो निगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है, तो आप ये सब याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल कैन बी यूज एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मेटल है जिसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम को तो कर नहीं सकते क्योंकि सोडियम रिएक्शन कर जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन से। फिर पोटेशियम को भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग गोल्ड को कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड कभी भी हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं कर सकता है। गोल्ड जो होता है बेचारा नोबल होता है, या फिर आप इसको इनर्ट भी कर सकते हैं, इसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इसलिए यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट, ऑक्सीडेशन कहाँ टेक प्लेस होता है। तो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बोला हूँ कि बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, तो ऑक्सीडेशन हमारा होगा कहाँ पे, एनोड पे। ऑक्सीडेशन हमारा होगा कहाँ पे, एनोड पे। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया, अब हम लोग कॉन्सेप्ट कुछ सीखेंगे। देखिए जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो सेल होता है ये पूरा है गैल्वेनिक सेल, इसको बोलते हैं, या फिर वोल्टेइक सेल भी आप बोल सकते हैं, ये पूरा, इस पूरा को। और इसमें जो होता है यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इधर वाले को, ये वाला जो पार्ट होगा, एक मिनट मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ये वाला जो हम लोग का पार्ट होगा, ये वाला, ये जो होता है हम लोग का लेफ्ट में आ रहा है, देखिए आपके लेफ्ट में आ रहा है, और ये वाला जो पार्ट है हम लोग का, ये वाला, ये हमारा राइट में आ रहा है, राइट में आ रहा है। तो हम लोग ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट में कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये वाला हम लोगों का लेफ्ट में आ रहा है। तो लेफ्ट में जो आएगा, ये लेफ्ट में जो इलेक्ट, ये आएगा मेटल या फिर इलेक्ट्रोड आप कह सकते हैं, उस पर ही ऑक्सीडेशन होगा और उसको हम लोग एनोड बोलेंगे और वो निगेटिवली चार्ज होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं भी यूज करता था जब मैं अपने क्लास में था, 12th क्लास में था। तो आप भी ये मेथड यूज कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, इससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको लोन सब तो पता होगा कि लोन जो होता है ये बहुत खतरनाक शब्द होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है। लोन में कभी कभी आदमी फंस जाता है तो आदमी का बहुत कुछ मतलब हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे, तो L से लेफ्ट होगा, फिर O से ऑक्सीडेशन, फिर A से एनोड और N से निगेटिव। मतलब लेफ्ट जो होगा इलेक्ट्रोड उस पर ही ऑक्सीडेशन होगा, उस पर उसी को एनोड बोला जाएगा और वहीं निगेटिव चार्ज होगा। तो ये था हम लोगों का वीडियो, और हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। अभी के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।